Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अरे एनी, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं। ये कबाब तो ट्राई करें। आफरीन ने अपनी नई पड़ोसन की तरफ शामी कबाब, रोल और पेस्ट्रीज की ट्रे बढ़ाते हुए कहा। बहुत खुशी हुई मुझे कि आज आप बच्चों को लेकर मेरी तरफ आईं। एनी ने चाय का कप ट्रॉली से उठाते हुए कहा। बस क्या बताऊं बहन, घर सेट करना कोई आसान काम है क्या? आज थोड़ी फुर्सत मिली तो सोचा चक्कर लगा आऊं। हमें यहाँ शिफ्ट हुए 4 माह हो गए, पर यकीन करो अब तक कितने कार्टन अनपैक नहीं हुए। ड्राइंग रूम के पर्दे, गार्डन का स्विंग सेट और बच्चों की नई बुकशेल्फ अब तक बनकर नहीं आई है। ऊपर से नए मोहल्ले में नई मासी ढूंढना एक अलग चैलेंज है। बड़ी मुश्किल से एक मासी मिली है। उसे पूरे 3,000 में रखा है मैंने। सिर्फ 5 लोगों का खाना, 6 कमरों का झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े। उस पर भी मैडम का मुंह बना हुआ है कि पैसे बहुत कम हैं। इतने में सर पर गुलाबी दुपट्टा ओढ़े एक कमसिन लड़की सलाम करते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसने दही बड़ों का प्याला बाकी लवाजमात के साथ मेज पर रखा और आफरीन से पूछा, बाजी और कुछ चाहिए आपको? आफरीन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रुखसाना, थैंक यू, वैसे चाय बहुत मजे की बनी है। तुम बस फटाफट खाना खा लो, देखो 5 बजने वाले हैं, फिर तुम्हें लेने आ जाएंगे। बाजी वो आपको पता है ना, मैं भिंडी नहीं खाती, रुखसाना ने हिचकिचाते हुए कहा। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने लिए अंडा पराठा बना लो, बल्कि अंडा छोड़ो, पराठे के साथ अपने लिए भी एक कबाब फ्राई कर लो। ये तो तुम शौक से खाती हो ना? नहीं नहीं बाजी, मैं घर जाके कुछ खा लूंगी। रुखसाना के इनकार करने पर आफरीन ने इसरार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसे खाना खाए बिना घर नहीं जाओगी, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो। ये सुनकर रुखसाना ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बावर्ची खाने की तरफ वापस चली गई। ये सारी गुफ्तगु एनी से हजम नहीं हुई। रुखसाना के बाहर जाते ही उसने आफरीन से कहा, यह आपकी मासी के नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? इनके अपने घरों में खाने को कुछ नहीं होता। बड़ी आई भिंडी ना खाने वाली। अरे तो इसमें क्या हुआ, पसंद ना पसंद तो सबकी होती है ना, चाहे अमीर हो या गरीब। अरे ये मासियां बहुत नाशुक्री होती हैं, इनको चाहे जितना मर्जी दे दो इनका पेट ही नहीं भरता, इसी वजह से तो अल्लाह ने इन्हें गरीब रखा है। एनी की इस राय से इख्तलाफ करते हुए आफरीन ने उसे समझाया, इन्हें अल्लाह ने नहीं सोसाइटी के इनजस्टिस ने गरीब रखा है। वी डोंट गिव देम मिनिमम वेज। आपको वाकई लगता है 3,000 मुनासिब है? अगर हम इन्हें एक मुनासिब बुनियादी तनख्वाह दें तो इनके हालात भी बेहतर हो सकते हैं। इस पर एनी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, इनके हाथ में चाहे जितने मर्जी पैसे रख दो, ये 4 दिन में उड़ा देंगी। और इतना छोटा दिल होता है इनका, ये खुद एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। ये तो हम हैं जो इनके एहसास में मर रहे हैं। आफरीन ने अपने सामने सजी हुई लवाजमात की ट्रे को देखकर एक ठंडी सांस ली और कहा, एनी आप ये भी तो सोचो कि जिस इंसान को ये तक ना पता हो कि उसे अगली रोटी कहाँ से मिलेगी, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा, वो दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता है? कहीं ना कहीं वो सेल्फिश तो हो जाएगा ना। एनी ने आफरीन की बात काटते हुए कहा, रहने दो आफरीन, मैंने इनके साथ बहुत अच्छाइयाँ और हमदर्दियाँ करके देख ली हैं। आपको क्या लगता है इनके घरों में बिरयानी, कोरमे ये सब बनता होगा? अच्छे से अच्छा सालन भी दे दो इन्हें तो भी इनके हलक से नहीं उतरता। अब पिछले दिनों मेरे यहाँ निहारी बनी थी, बच्चे तो तुम्हें पता है ये सब चीज़ें नहीं खाते, और हम लोग ही कितने हैं। 2 दिन बाद जब मैंने वो बची हुई निहारी अपनी मासी को दी कि घर ले जाओ, तो नाक सुकेरने लगी कि हम तो बड़े का गोश्त नहीं खाते। तो कभी बोलेगी, मेरे बच्चे ये सब्जी नहीं खाते, वो दाल नहीं खाते। भाई अपने हालात देखो, घर में बेशक 4 दिन से खाने को कुछ ना हो, लेकिन
नखरे नहीं खत्म होते इनके। मैंने भी फिर ठीक से उसका इलाज किया। पूरे हफ्ते मैंने उसे खाने को नहीं पूछा। वो सुबह से काम करती और शाम को ऐसे ही चली जाती। फिर पूरे 5 दिन बाद जब उसकी अकल ठिकाने आई और उसने मुझसे खाना मांगा, तो मैंने उसे वही ठंडी बची हुई निहारी दी तो ऐसे लपक कर खा ली उसने। ये तरीका होता है इनको सीधा करने का। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इन्हें सर पर चढ़ाया जाए। इतने में एनी का छोटा बेटा हाथ में बॉल पकड़े ड्राइंग रूम में आया और कहने लगा, मामा दे आर नॉट प्लेइंग विद मी। एनी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, ओ माय सोना बच्चा, मैं अभी बोलती हूँ आपके न्यू फ्रेंड्स को टू प्ले विद यू, ठीक है? अरे बेटा आपने कुछ खाया नहीं? आंटी ने आपके लिए मैकरोनी और नगेट्स बनाकर रखे हैं, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। इससे पहले कि आफरीन खड़ी होती, एनी ने उससे कहा, अरे आफरीन आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, बच्चे तो ये सब चीजें शौक से खाते हैं ना। आफरीन की इस बात पर एनी हंस कर बोली, यस यू आर राइट बट नॉट माई साद, ही इज अ वेरी पिकी ईटर, बहुत फस करता है। ही ओनली ईट्स व्हाइट सॉस पास्ता एंड चिकन टेंडर्स, ये मैक्रोनी और चिकन नगेट्स नहीं खाएगा। ओ आई सी, वैसे मैंने बच्चों के लिए फ्रेश मिक्स फ्रूट जूस भी बनवाया है, ही कैन हैव दैट। आफरीन के इस मशवरे पर एनी ने बताया, नहीं एक्चुअली ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी स्मूदी पीता है, इसके अलावा ये किसी फ्रूट को चखता भी नहीं है, मैंने हर तरकीब आजमा कर देख ली है। आफरीन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, स्ट्रॉबेरीज का तो सीजन नहीं है ना, वरना मैं ज़रूर बनवा देती। अरे नहीं नहीं इट्स ओके, वैसे भी अभी हमें बाहर जाना है, मैं बाहर से कुछ दिला दूंगी इसको। बट सीरियसली आफरीन, मैं आपको क्या बताऊं? साथ ने तो मुझे तंग करके रखा है, मैं इसके पीछे पीछे निवाला लेकर घूमती रहूंगी कि बेटा आप एक बार ट्राई तो कर लो, लेकिन ये सुनता ही नहीं है, बस हर वक्त की जिद और वही चार चीजें खानी है लाडले को। एनी की इस शिकायत पर आफरीन बोली, एक हफ्ता भूखा रख कर देख लो इसे, आई एम श्योर खुद ही सब कुछ खाने लगेगा, लाइक यू जस्ट एक्सप्लेन्ड। ये बात सुनकर एनी हक्का बक्का रह गई। इतने में रुखसाना अंदर आई और आफरीन से कहने लगी, बाजी वो लोग मुझे लेने आ गए हैं, मैं चलती हूँ। रुखसाना तुमने खाना खा लिया ना? जी बाजी खा लिया, आप कितना ख्याल रखती हैं, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत दे। आफरीन ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे रिस्क में तुम्हारा हिस्सा भी है रुखसाना, तुम एक काम करो वो नगेट्स और मैक्रोनी अपने बच्चों के लिए एक डब्बे में पैक करके ले जाओ। आफरीन ने नजरें चुराती खामोश बैठी एनी की तरफ देखते हुए कहा, इनके बच्चे तो नहीं खाएंगे, शायद तुम्हारे बच्चे खा लें। रुखसाना ने खुश होकर कहा, ठीक है बाजी आपका बहुत शुक्रिया, मैं ले जाती हूँ, अल्लाह हाफिज। आफरीन ने उठते हुए एनी से कहा, एनी आप बैठें, मैं ज़रा इसे छोड़कर गेट बंद कराऊं, तब तक आप चाय पिए वरना ये भी ठंडी हो जाएगी। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।